दिए हुए क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए एंड बी कैलकुलेट करना है। ये आपका ए जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज दिया है और जो बी है आपका एनायन है, ठीक है। अगर आपने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो आप आसानी से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वाला जो आपका कैटायन डला हुआ है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं आपका, ये आपका कितना कार्बन है भाई, 9 कार्बन है। तो ये आपका कुछ ऐसे जाएगा, ये ड्रॉ करते हैं, 9 कार्बन है। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, और फिर इसके बाद में 8 8, फिर इसके बाद में और इसके बाद में 8, ठीक है, 8 हो गया। फिर इसके बाद में ये अब 9, ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये पोजीशन हम शो कर देते हैं, ऐसा है भाई कुछ, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये पाई बॉन्ड शो करता हूँ। 1 हो गया, फिर सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फिर ये फोर्थ हो गया। अब एक ये कॉन्जुगेशन कम्प्लीट शो करना है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दिया। कम्प्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, या डबल सिंगल पॉजिटिव या डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे पूरा कम्प्लीट कॉन्जुगेशन है। तो ये जो आपको मैंने रिंग बनाया हुआ है 9 कार्बन का, ठीक है, अच्छा तो नहीं लग रहा है देखने में, बट ठीक है, समय अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना पाई, यहाँ पे कम्प्लीट कॉन्जुगेशन सिस्टम है, तो कितना पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, ठीक है। तो अब हर एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन लीजिए आ जाते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं, क्या वही नंबर ऑफ कार्बन दिए हैं, ऑफकोर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, अभी नेगेटिव चार्ज डाला। तो ये आपका कार्ब एनायन है। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपका जैसे ये रिंग दिया है, फिर इसके बाद में ये दिया है। अब देखते जाते हैं भाई कितना कार्बन, प्रयास करते हैं थोड़ा ठीक से ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे इधर कनेक्ट कर देते हैं, ये 9 और फिर ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डबल हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया, और यहाँ पे डाल दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। लीजिए स्ट्रक्चर 9 कार्बन का, ठीक है, साइक्लिक रिंग है, कम्प्लीट कॉन्जुगेशन है। कम्प्लीट कॉन्जुगेशन शो करके जो नेगेटिव चार्ज है वो भी आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें कितने पाई बॉन्ड हैं, 4 पाई बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्लस इस नेगेटिव चार्ज को हम लोगों ने सीखा हुआ कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कर दिया 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया। तो 4 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो 8 और 10 होना चाहिए, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर,